एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं, इसमें मैं कोई भाषण, लेक्चर, ज्ञान, यू नो, डाइट कुछ भी नहीं देने वाली हूं। आज बेसिकली मैं जो आई हूं, मैं आपको एक चैलेंज देने आई हूं। जी हाँ, मैं आपको एक चैलेंज दूंगी जो कि है एक वेट लॉस चैलेंज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कहां से करें, कैसे करें। वो दो दिन कोई डाइट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, चार दिन कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में आप लोगों को टाइम एंड अगेन कहा है कि जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है, जिन लोगों के समझ नहीं आता कि वो कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, उनके लिए सबसे छोटा और सिंपल है कि वो छोटे छोटे चैलेंजेस लें। ठीक है, तो जिन लोगों को वो भी कंफ्यूजन होता है कि यार क्या चैलेंज लें, कैसे चैलेंज लें, कब चैलेंज लें, तो आज मैं आप सबके लिए एक चैलेंज लेकर आई हूं। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूं, ये मेरा पहला चैलेंज है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं दूसरा लाऊंगी, उसके नेक्स्ट वीक मैं तीसरा लाऊंगी। आज जो मैं चैलेंज दूंगी, ये सबसे इजीएस्ट होगा क्योंकि आज ये हमारा पहला चैलेंज होने वाला है। और आज का जो हमारा पहला चैलेंज है, ये छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, बहुत आसान सा चैलेंज है। और ये है आपको जो है नेक्स्ट 7 डेज तक क्विट करना है शुगर। ठीक है, आपको नेक्स्ट 7 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक छोड़नी है चीनी। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है, ये कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें कैच क्या है, इसमें एग्जैक्टली कहां यू नो कुछ बात अलग है, वो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहली बात, जब आप शुगर क्विट करेंगे तो आप कहीं भी शक्कर नहीं खा सकते। आप अपने, कुछ लोग सब्जियों में शक्कर डालते हैं, कुछ लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं, कुछ लोग दही में शक्कर मिला के खाते हैं, और मेजरली हम सब चाय और कॉफ़ी में तो चीनी मिलाकर पीते ही पीते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की चीनी नहीं लेनी है। अगर आप चाय या कॉफ़ी भी पी रहे हैं ना, तो आपको चाय और कॉफ़ी पीनी पड़ेगी फीकी। जी हाँ, आपको फीकी चाय और कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे यार चाय और कॉफ़ी दिन में एक ही तो पीते हैं, दिन में दो ही तो पीते हैं, वो भी फीकी। जी हाँ, तो आपके लिए मैं एक बहुत सिंपल सोल्यूशन लेके आई हूँ। जो लोग चाय और कॉफ़ी फीकी पी ही नहीं सकते, उनके लिए एक छोटी सी छूट, आप उसमें डाल सकते हैं स्टीविया। स्टीविया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मीठी तुलसी। स्टीविया आपको मार्केट में बहुत आसानी से हर जगह, बहुत सारे ब्रांड्स भी स्टीविया बेचते हैं, तो आपको बहुत इजीली आपके नॉर्मल यू नो किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा वो। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप वहाँ से भी स्टीविया खरीदिए और उसे अपनी चाय में डालिए, और वो जो मिठास है वो आप अपने स्टीविया से ऐड करिए। पर मीठी जो रेगुलर चीनी है वो तो आप नहीं डाल सकते एज अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, कई लोग ये करते हैं कि चीनी वो छोड़ देते हैं, उसकी जगह शुरू कर देते हैं खाना गुड़, उसकी जगह वो शहद लेना शुरू कर देते हैं, मेपल सिरप लेना शुरू कर देते हैं, कोकोनट शुगर लेना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो आप ना गुड़ ले सकते हैं, ना शहद ले सकते हैं, ना मेपल सिरप, कोकोनट शुगर, इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी चीज़ इस चैलेंज की। अब आती है तीसरी और मेन चीज़ आप इस चैलेंज में नहीं खा सकते हैं, वो है फ्रूट्स। जी हाँ, आप किसी भी तरीके के फल नहीं खा सकते। अब आप कहेंगे फ्रूट्स और शक्कर का क्या लेना देना? बहुत ज़्यादा लेना देना है। फ्रूट्स में एक नेचुरल शुगर होता है, नेचुरली एक शुगर होता है फ्रूट्स में, जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज होता है, ये वही काम करता है जो आम चीनी आपके बॉडी में करती है। जी हाँ, जो नॉर्मल सफ़ेद चीनी होती है ना, जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रूट्स में पाया जाता है, ये वही काम करता है। तो इन शॉर्ट, जब आप शुगर क्विट करने का चैलेंज ले रहे हैं, तो ना आप नॉर्मल सफ़ेद रिफाइंड शुगर ले सकते हैं, और ना आप मीठी, ना आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, और मीठा कोई भी अल्टरनेटिव जैसे कि मेपल सिरप, हनी, जैगरी, इस तरीके का भी आप नहीं ले सकते। तो ये है आपका चैलेंज। अब कुछ लोग कहेंगे यार फ्रूट्स कैसे छोड़ दें, या कुछ कहेंगे यार चाय में यार हमें तो चीनी चाहिए ही चाहिए। अबव ऑल आपको समझना जरूरी है कि यही तो चैलेंज है मेरी जान, यही आपकी चैलेंज है कि नेक्स्ट 7 डेज तक आपको अपनी चाय में ना चीनी लेनी है, ना आपको अपने चाय में यू नो किसी भी तरीके का गुड़ या हनी नहीं लेना है, आप किसी भी तरीके का मीठा इन शॉर्ट नेक्स्ट 7 डेज तक नहीं खा सकते, और यही आपका चैलेंज है। और अगर आप कहें कि यार ये नहीं पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है, तो आई एम सॉरी, आपका वेट लॉस में यू नो आप
जो पूरी जर्नी है ये थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शक्कर छोड़ना तो डाइट का और वेट लॉस का सबसे मेन और सबसे बेसिक चीज़ है ये। जी हाँ, अगर आप ये नहीं छोड़ सकते तो डाइट में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो भी आपकी डाइट होती है, अलग अलग टाइप की डाइट होती है, आजकल 100 तरीके की डाइट आ गई है। हर डाइट का बेस, हर डाइट का मेन सबसे बेसिक चीज़ है कि आप शुगर छोड़िए। और मैं तो आपको सिर्फ 7 दिनों के लिए छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। नॉर्मली आइडियली देखा जाए तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने मिनिमम छोड़ना चाहिए, पर क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आपको मैं कह रही हूँ कि सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज तक आपको शुगर क्विट करनी है। तो अगर आपने मेरे ये चैलेंज लिया, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और जो लोग इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं वो भी मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि जी हाँ, हमने ये चैलेंज पूरा किया। ठीक है, तो आज हमारा छोटा सा चैलेंज था अबाउट शुगर। नेक्स्ट वीक में दूसरा चैलेंज लेकर आऊंगी, उसके नेक्स्ट वीक में और चैलेंज लेकर आऊंगी। इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट चैलेंज आए, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप अपनी वेट लॉस की जर्नी पे ट्रैक पे रहें। इसके अलावा मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है अबाउट माय वेट लॉस, हेयर केयर, स्किन केयर, उस वीडियोस को भी जाकर देखिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड आई होप यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।